कमी नहीं रखी। उस वक्त भी 123 कॉलेज मैंने खोली, 33 पार्लियामेंट कॉलेज थे, उसके अंदर सड़कें सबको दी, 500 करोड़ की एक एक एमएलए को दी। तीन दिन सड़कें मैंने खुद ने सर्वे कराए हर जिले की, पानी योजना बनाई, बिजली के लिए हमने 1.5 लाख कनेक्शन दे चुके थे लोग, और भी नहीं बात है कहीं शिक्षा में स्वास्थ्य में हमने 5 लाख का बीमा कर दिया उस वक्त में। इस प्रकार से दवाएं फ्री, टैक्स फ्री, राजस्थान आज सिंगों ने देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर में दवाई की बात कर सकता हूँ। और अब जो मैंने किया है, हमारी सरकार ने किया है, 5 लाख से 10 लाख तक का इलाज फ्री, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकारी अस्पताल में आईपीडी ओपीडी जो भर्ती होते हैं उनके लिए, और भर्ती नहीं होते उनके लिए भी पूरा इलाज फ्री रहेगा आपके लिए। ये पूरे राजस्थान लागू हो गया है। आपको जानने खुशी होगी कि विपक्ष वाले कहते हैं कि भाई तो बहुत शानदार आ गया, तो लागू कैसे होगा, लागू कैसे होगा, कैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने असेंबली में कहा, गुलाब चंद कटारिया जी को, राजेंद्र राठौड़ साहब को, तमाम विपक्षी नेताओं को, कि भाई कम से कम ये चिंता तो बुरे करने दो, आप चिंता क्यों कर। लेकिन मैंने पेश किया मुझे लागू करना है, आप कह रहे हो कि कैसे कहाँ लाए लागू कैसे होगा, ये चिंता पूरे करने दो, आप चिंता में तो लागू होते रहेगा। आप देख रहे हो, आप हमें प्रसन्नता होती है कि कोई तो बड़ी योजना है, जिसमें चिरंजीव भी है, टूरिज्म बोर्डों का आधार दर्जा दे दिया हमने, बड़ा फायदा आई है टूरिज्म का, उद्योग का दर्जा ये केंद्र मंत्री था इंदिरा गांधी के साथ में, तब से मांग कम कर रहे हैं, 33 साल हो गए। पहली बार हमने इसको मेरी कलम से लिखा हुआ था, ये टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देना, पूरे राजस्थान में टूरिज्म मिनिस्टर वाले बहुत खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, टूर ऑपरेटर खुश हैं, कोई सोच नहीं सकता। अब हमारे यहाँ विदेश से और देश से इतने टूरिस्ट आएंगे और ज्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत बड़ा फैसला हुआ। 19 तो बड़ा फैसला लागू हो गया अभी तक। मैंने अभी जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, बजट की बजट के 1 अप्रैल को कर गया है, तब तक मैंने 210 दलित घोषणा का मैंने स्वीकृति दे दी है, वो तो उन्हीं बड़ी योजना है। कहने का मतलब है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आम जनता को आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, आप चिंता मत करना, इस बजट को मैंने, बजट चलते हुए मैंने पूरे सेक्रेटरी मीटिंग ले ली है, काम बांट दिया है और पालन कर दिया है, हर एक को डिपार्टमेंट को इसको लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। गांव गांव में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में जो लोग फैसले किए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत तारीफ के काबिल है। अभी मैं देख रहा था एक, अभी मेहमान ने पूछा था इसी स्कीम का नाम, जल जीवन, बड़ा मीठा नाम बता आपने, गंगा जल योजना, आज छोटी जी थी गंगा जल योजना, जो सब परेशान थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, बिजली का हैंडपंप ट्यूबवेल सब बंद पड़े रहते थे, एक जगह मैंने आपकी भावना समझ करके जनता दल योजना, जनता दल योजना को पीएचडी को सुपर्द कर दिया, सेक्टर जी खुश हुए, ऐसे में पानी भरी थी इस योजना को लेकर, क्या गाँव में कम पानी ये मैं सुविधा मिलेगी। एक एक चीज जो जनता ने मुझे कहा, आप लोगों ने कहा, घर घर से मैंने बातचीत करी, बीजो से, एनजीओ से बात करी, उद्यमी से बात करी, किसानों से बात करी, कर्मचारियों से बात करी, जो जो मैंने देखा प्रदेश में क्या जनता की भावना, उसके अनुसार मैंने बजट पेश किया है। और कर्मचारी वाली स्कीम जो है, तो कोई कर्मचारी खुश करने के लिए नहीं काम नहीं किया, ये मैंने क्या मान्य दृष्टिकोण से किया, आप सब मैंने कोई
मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ठीक हो, रिटायरमेंट के बाद आराम से उसको पेंशन मिलती थी, ये था जुड़ता जाता था उसका घर, उसको सिक्योरिटी थी, गोवा कार्ड डेकोरेशन की मालिक भी यहाँ बैठे हैं, कटौती करवा रही है गोवा कार्ड 40 साल के बाद में वो पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। आप कल्पना करो शेयर मार्केट में भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं, कई कंपनी डूब जाती है, उस पर क्या होगा कि आपको कितने पैसे मिलेगी। पूरा देश का कर्मचारी वर्ग आज दुखी है, चिंतित है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे के अंदर क्या होगा। मुझे मांगी गई आता है कर्मचारियों ने, ना ज्ञापन दिया मुझे कोई कल दिया होगा भूल झूक से, बिना मांगे हुए मैंने खुद ने वित्त विभाग से बात कर कालू माली माली दृष्टिकोण ने फैसला किया, मैंने इसमें हमें कौड़ी पैसे लागू करनी चाहिए और पूरे देश में उनका स्वागत हो।